शुक्रिया बेटा मेरे बाग में आने के लिए और फिर पकड़े जाने के लिए। तू क्या, तेरी तनी को मालिक के आदमी लोग पकड़ ले, उसे चोरी करते हुए पकड़ा है। कल से ही तुकाराम का परिवार सिर्फ मालिक के लिए काम करे और मालिक के तेकड़ी पे जाकर तब तक मेहनत करे जब तक कि मालिक के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। और ये पंचायत का आखिरी फैसला है और इसकी शुरुआत कल से ही होगी। अरे इसके हाथ खेत में काम करने के लिए नहीं बने हैं, ये तो यही काम करेगी। मालिक आ गए, मालिक आ गए। जी मालिक। ये कमरा अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है? मालिक ये काम तो मैंने उस नई लड़की को सौंपा था, पता नहीं उसने क्यों नहीं किया। अभी अभी भेजता हूँ मालिक उसको। बुलाओ उसे। लड़की चल अंदर, मालिक ने बुलाया तुझे। अरे सोच क्या रही है, जा ना। चलो ये कमरा साफ करो जल्दी। भगवान दुश्मन को भी ऐसी किस्मत न दे, कैसी मजबूर आई हूं मैं। मेरी बेटी को मैंने अपनी आंखों से, अपने पैरों से अपनी बर्बादी की ओर जाते हुए देखा और मैं कुछ न कर पाई। सुमन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुमन सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मालिक का दिल भी इस बंजर जमीन की तरह है, हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस पे ना एक दाना उगने वाला है और ना मालिक के दिल में हमारे लिए कोई दया आने वाली है। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन अमोली वो वहाँ अकेली है, कैसे रह पाएगी वो, क्या होगा उसका, कैसे बचा पाएगी वो अपने आप को। सिर्फ सवाल ही सवाल उठ रहे हैं दिमाग में और जवाब का कोई नामो निशान। सुपर
शांत हो सुमन, शांत हो। कैसे शांत हो जाऊं? वाह हमारी बेटी, उसे हमारी जरूरत है और हम यहाँ इतनी दूर, आंसू बहाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कनी, क्यों गई तू वहाँ? क्यों फंसी तू उनके जाल में? अगर तेरी ताई को कुछ हो जाता है ना तो मर जाऊंगी मैं। अपनी बेटी को तबाह होते हुए देखने से पहले मैं आंखें बंद कर जाऊंगी। मैं आंखें बंद कर लूंगी, मैं आंखें बंद कर लूंगी अपनी। सुमन संभाल अपने आप, संभाल। मैं मर जाऊंगी।